हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज हम 8-9 साल की लड़की के लिए जंपर बनाएंगे। ये मैंने ही बनाए हैं, तो चलिए हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास कपड़ा है और अस्तर है, दोनों हैं। हम इसकी लेंथ लेंगे और चौड़ाई भी लेंगे, अब जंपर बनेंगे। मेरे पास बच्ची का मेजरमेंट बना हुआ है और इसकी लेंथ है 30 तक लेंथ है इसकी और 20 की चौड़ाई है। तो 20 पे मैंने निशान लगा दिया है चौक से। इससे आपको भी चौक से निशान लगा देना है और थोड़ा नीचे भी 20 का निशान लगा के फिर इस तरह से लेंथ इसकी 30 है तो 30 पे निशान लगा देना है। इसकी परफेक्ट लेंथ है, वही लेनी है अपने को। और मजगी वो अलग बनेगी, वो बराबर थोड़ा थोड़ा उल्टेसन में चला जाएगा। तो अब हम इसको कटिंग करेंगे। ये हमने निशान लगा के कटिंग कर रहे हैं हम। ये अस्तर और लाइनिंग दोनों का कपड़ा है। अब हम कटिंग कर रहे हैं इसकी। अब इसको एक बार पहले फोल्ड किया, डबल फोल्ड करने के बाद उनको 20 का लेना है और लेंथ तो 30 है। अब एक बार और फोल्ड करने के बाद इसको कटिंग कर देते हैं। चौक से निशान किया उसी हिसाब से अब हम कटिंग कर रहे हैं। और अब ये इसका शोल्डर है तो 2 इंच के निशान लगा देना है, 2 इंच पे। ये 2 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है और यहाँ पे 3 इंच का करना है। 3 इंच के हिसाब से आपको इस तरह से बॉक्स बना लेना है। इस तरह से बॉक्स बना के फिर आपको गोले ले लेनी है। और अगर आपसे इस तरह से गोले नहीं ले सकते हो तो 1 इंच पे निशान लगा के उसी हिसाब से गोले ले लेना है आपको। इस तरह से ये मैंने गोले ले रखी है। अब इस तरह से एकदम इजी जंपर है। आप चाहो तो अपने लिए बना सकते हो, आप चाहो तो छोटे बच्चे के लिए बना सकते हो। और नीचे से 4 पे निशान लगा के उसको इस हिसाब से फड़का रखते हैं। इसमें क्या है, कुर्ती कांचली दोनों का लुक एक ही साथ में आते हैं और उसको जंपर बोलते हैं। अपन कांचली अंदर से बना सकते हैं बड़ों के लिए और बच्चों के लिए जॉइंट करके ये दोनों साथ में बनाते हैं, उसको जंपर बोलते हैं। अब इसी हिसाब से कटिंग कर लेना, चौक से निशान किया उसी हिसाब से। तो अब ये मेरा ऊपर का शोल्डर कटिंग हो गया है और नीचे का फड़का मैं कटिंग कर रही हूँ अभी। थोड़ा 1 इंच अंदर की तरफ रख के बाद में कटिंग करना है आपको। इसी तरह से इस तरह से कटिंग कर लेना, थोड़ा सा तिरछा कटिंग करना है। वापस ये थोड़ा उल्टेसन में आ जाएगा और इसी तरह से आपको थोड़ा तिरछी कटिंग करनी है। और अब ये दोनों भाग को अलग अलग कर देना है और अब एक भाग को सीधा कर लेना है और एक को ऐसे डबल फोल्ड रहने देना है। ये इस तरह से मैंने सीधा कर दिया है। और मैंने छोटी बच्ची के लिए गला की कटिंग करके रखी है। आप चाहो तो इसी हिसाब से 6 इंच पे निशान लगा के इस तरह से गोले ले सकते हो, लेकिन मैंने ये गले की कटिंग करके रखी है। उसी हिसाब से इसको आप ऊपर रख के कटिंग कर सकते हो। इस तरह से गले की कटिंग हो गई है। गला जंपर में थोड़ा छोटा ही रहता है, इसलिए कुर्ती का गला बड़ा रहता है और जंपर का थोड़ा छोटा रहता है। ये मैंने कटिंग कर दी है दोनों को। ये देखो दोनों अलग अलग भाग हो गए। अब नीचे अस्तर है, अस्तर को, और ये स्लीव्स है। स्लीव्स की लेंथ है कि 7 की लेंथ है मेरे पास, क्योंकि इसकी लेंथ इसमें ऊपर से जहाँ शोल्डर होता है वहीं से ये स्लीव्स लगती है, इसीलिए मैंने 7 पे निशान लगा के इसको कटिंग कर दिया है। और आपको 4 बार फोल्ड करना है, डबल बार फोल्ड। ये दोनों स्लीव साथ में कटिंग होगी और यहाँ से गोले ले लेना आपको। इस तरह से गोले ले लेना है, 3 इंच पे 7 का हिसाब से निशान लगा देना और नीचे की तरह से 3 इंच अंदर की तरह जाने देना, फिर गोले ले के कटिंग कर लेना आपको। ये इसी तरह से इस तरह से कटिंग कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़ा को आप निकाल देना है। थोड़ा और एक्स्ट्रा रखना ताकि उल्टे जोन में काम आएगा। ये इस तरह से मेरी स्लीव भी कटिंग हो गई है, एकदम इजी है। अब ये मैं मजगी बना रही हूँ,
इसको तिरछा रखना है, ये कपड़ा इसको त्रिकोण बना के कटिंग कर लेना है। त्रिकोण बनने रखने के बाद, तिरछा रखने के बाद इसको अलग अलग करके आप 2.5 इंच के हिसाब से सब पट्टियाँ कटिंग कर देनी है। ये दोनों को अलग अलग कर दिया मैंने और अब आप 2.5 इंच के हिसाब से सारी पट्टियों को कटिंग कर देना है। इस तरह से इसको मजगी बोलते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा रखना ताकि उल्टे सन अच्छे से हो जाए, वापस इस पर गुणा लगेगा और बाद में उल्टे सन होगा इसका। इस तरह से सारी पट्टी को कटिंग कर देना है। और अब मैं इसकी सिलाई भी आपको बताऊंगी साथ में। ये मेरे जंपर की कटिंग हो चुकी है, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पे मैंने रेड कलर की पाइपिंग लगा के रख दी, ऑलरेडी तैयार करके रख दी मजगी, क्योंकि इसके ऊपर ओढ़नी मैंने रेड कलर की तैयार की है, इसलिए इसमें मैं पाइपिंग रेड कलर की डाल रही हूँ। तो पहले नीचे वाले फैब्रिक को सीधा बिछा देना है, फिर ये ऊपर वाले को उल्टा लगा के इस तरह से आपको सिलाई कर देनी है। इस तरह से सिलाई करना है और ये भी सीधा इसके ऊपर रखना, दोनों को पास में नहीं रखना है, थोड़ी जगह आएगी बीच में, जो गले की कटिंग है उसी हिसाब से ये होगा। और अब ये इसको एक बार ऊपर सीधा करके और सिलाई लगा देना है आपको इस तरह से। और अब ये मेरी पाइपिंग है, तो अब मैं मजगी लगा रही हूँ। मजगी को आप थोड़ा टाइट खींच के रखना ताकि गुणा एक जैसा आए। और इसी तरह से कपड़े मजगी का जो आप ऊपर गुणा लगा रहे हो उसमें थोड़ा अलग धागा लेना है। अलग धागा लेने से जैसे आप इसके थोड़ा पास में मशीन चलाओगे उसी हिसाब से एक जैसा गुणा आएगा। ये इस तरह से आपको गुणा को और मजगी दोनों को टाइट करके रखना है। ये देखो रेड कलर की पाइपिंग आ रही है, मेरे जंपर की पाइपिंग रेड कलर की है मजगी में। इसी तरह से टाइट खींच के लगानी है आपको मजगी, तो थोड़ा अच्छी फिनिशिंग आएगी इसमें। टाइट खींच के रखना है इसी तरह से, वापस उल्टेसन कर लेना आपको। अगर आप चाहो तो 3 धागों में उल्टेसन कर सकते हो और आप चाहो तो 4 धागों में उल्टेसन कर, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 4 धागा में अच्छी फिनिशिंग आती है और 3 धागा में भी फिनिशिंग अच्छे से आ जाती है। एक बार इसके ऊपर और मशीन चलानी है। इस तरह से गुणे को सब इस कपड़े को थोड़ा टाइट खींच के रखोगे तो एक जैसा गुणा दिखेगा। ये देखो रेड कलर की पाइपिंग डाली और इसमें डिजाइन भी रेड कलर, ये तो बहुत शानदार लग रहा है। इसी तरह से इस शोल्डर के ऊपर भी लगा देनी है आपको और अभी ये मेरे गले पे लगाऊंगी मैं। इस तरह से बराबर करके बीच में से थोड़ा कट कर लेना है। यहाँ से थोड़ा सा कट कर दिया है मैंने, क्योंकि यहाँ से जब मजगी लगाना स्टार्ट करेंगे तो एक जैसी मजगी आएगी अपनी। ये बीच में से कट है जहाँ से मजगी लगाना स्टार्ट करना है आपको। ये इसी तरह से उल्टा बिछा के आप मजगी को टाइट खींच के रखना है। गुणा और मजगी दोनों को टाइट खींच के रखना है और नीचे वाले कपड़े को टाइट नहीं खींचना है, उसको ऐसे ही रखना है गोल गोल, जिस तरह से गले की गोलाई है उसी तरह से आपको। और अब ये है स्लीव्स के ऊपर मजगी लगा देना। ये मेरे गले की मजगी तैयार हो गई है और ये स्लीव्स के ऊपर मजगी लगा रही हूँ मैं। इसी तरह से ये स्लीव्स भी मजगी लगा के तैयार करनी है आपको। दोनों स्लीव्स पे भी आगे की तरह मजगी लगा देनी है और एक के तो लग चुकी है और ये दूसरे के भी इसी तरह से मैं लगा रही हूँ मजगी। तो आप वीडियो को अच्छे से देखना तो आप जंपर बनाना सीख जाओगे, एकदम इजी है जंपर। ये इस तरह से वापस उल्टेसन करके ऊपर एक तरह और सिलाई लगाना है और इसी तरह से ये देखो पाइपिंग एक जैसी आ रही है। मेरे दोनों स्लीव्स रेडी हो गए हैं और अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। ये देखो ये यहाँ पे हो गए, ये कुर्ती बन गई और अंदर ये लगेगी तो कांचली का लुक आ जाएगा, इसलिए इसको सीधा बिछा के पहले वो आधी सिलाई बाद में लगानी है। हाँ, इसी तरह से नीचे स्लीव्स को रखना है और ऊपर ये जंपर बना हुआ कोटी इसको रखना है और फिर आपको इसी तरह से जॉइंट करना है। इसी तरह से आप मजगी लगाई हुई उसके पास में मशीन चलाना है और ये देखो इस तरह से इसकी
स्लीव्स रेडी हो गए हैं। तो कितना अच्छा लुक आ रहा है, जैसे अपन कुर्ती कांचली पहनते हैं उसी तरह से इसमें जॉइंट कर दिया है, तो ये कितना अच्छा लुक आ रहा है। देखो छोटे बच्चों को अपन अलग अलग नहीं पहना सकते, इसी को साथ में करके ही पहनाना है। एक बार और सिलाई लगा देना आपको इस तरह से, और एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको थोड़ा सा कटिंग कर देना है, और इस तरह से ये भी स्लीव्स रेडी कर देंगे। इस तरह थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल देना है। निकालने के बाद एकदम अच्छे से फिनिशिंग आएगी। ये देखो कितना अच्छा लुक आ रहा है स्लीव्स का। ये देखो कुणा भी एक जैसा आ रहा है मेरा। और अब हम इसी शोल्डर पे भी ये लगा रहे हैं, ये दोनों मेरी लग चुकी है। अब ये वाली सिलाई लगानी है। देखो कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका, बहुत अच्छा लुक आ रहा है। अब ये आडी सिलाई लगानी है, सीधा यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ जो शोल्डर स्लीव्स है वहाँ से स्टार्ट करना है और पड़के तक सिलाई लगाते जाना है आपको। यहाँ पर ये जो मजगी लगाई हुई दोनों एक जैसे आनी चाहिए, आगे पीछे नहीं जाना है, और इसी तरह से फड़के तक सिलाई लगानी है आपको। ये हमारे फड़के की कटिंग के हिसाब से अपने को पता चलता है कि यहाँ तक ही लगानी है। और अब हम नीचे से उल्टा वो जम्पर को सीधा रखना और मजगी इस तरह से उल्टा करके पीछे की तरह से मजगी लगाना स्टार्ट करना है। इसी तरह से इस ये भी मजगी लगा रही हूँ मैं। अब ये मजगी लगने के बाद ये अपना जम्पर रेडी हो जाएगा। इसी तरह से इसके भी कोने अच्छे से कोना भी बनाना है। जितना अच्छा आप कोना और मजगी पाइपिंग एक जैसे निकालोगे उतना अच्छा ही जम्पर का लुक आएगा। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा लगता है ये जम्पर। इसी तरह से आपको थोड़ा यहाँ घुमाना है ताकि वो अंदर वाली सिलाई है तो एक जैसे आए। और इसी तरह से ये देखो ये मेरी मजगी लग चुकी है और ये जम्पर बन गया है। कितना अच्छा जम्पर बना है। देखो ये जम्पर आप भी बनाना सीख सकते हो मेरे वीडियो को देखोगे तो। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।